हमने कुछ दिन पहले फार्म का एक टूर डाला था। उस टूर में हमने अपना घर भी दिखाया था और काफी लोग इस घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने को इच्छुक हैं, क्योंकि ये घर एक सस्टेनेबल घर है। अब जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं कि भाई आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया घर बनाने के लिए, इसकी ऑनगोइंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब कि सर्दियों में आप इसको गर्म रखने के लिए कितना एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में ठंडा रखने के लिए, और तीसरा इसका फुटप्रिंट क्या है। क्योंकि देखिए, जितने बड़े एरिया में आप घर बनाएंगे उतना कम एरिया बचेगा बारिश का पानी नीचे जाने के लिए। आपको बताता हूँ कि हमारी कंस्ट्रक्शन का मुद्दा क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको सोलर पैसिव तरीके से बनाया, यानी कि इसकी जो पोर्च हाइट है और विंडो प्लेसमेंट है वो इस तरह से कि जब दक्षिण दिशा में सूरज चलता है सर्दियों में तो उसका एंगल जो है नीचे रहता है, तो एंगल नीचे रहता है जैसे जहाँ पे आपको वो पेड़ दिख रहा है उसकी चोटी दिख रही है उसके आसपास, तो वो सारी जो धूप है सीधा खिड़कियों से होते हुए कमरों के अंदर आ जाती है। अब गर्मियों में क्या है, सूरज जो है ओवरहेड होता है लाइक लगभग ऐसे सीधा, तो जिस हिसाब से पोर्च डिज़ाइंड है गर्मियों में धूप जो है पोर्च तक भी नहीं आती, तो पोर्च ठंडा रहता है। तो यानी कि कमरे जब गर्म होते हैं वो तब होते हैं जब गर्म हवा दीवार को गर्म करती है, क्योंकि दिन में तो हम खिड़कियां बंद रखते हैं। अब ये जो दीवारें हैं ये 18 इंच मोटी है, यानी कि इनका बड़ा हाई थर्मल मास है, तो जब तक ये दीवार गर्म होगी अंदर तक तब तक शाम हो चुकी होगी। अब शाम में क्या है कि बाय द वे ये प्रिया हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, अब इनके सामने बोलने में कॉन्शियस हो रहा हूँ क्योंकि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ये तो प्रॉपर आर्किटेक्ट हैं। तो हमारी जो विंडोज़ है ना, एक विंडो नॉर्थ में है और एक साउथ में है, और यहाँ पे जो हवा चलती है सुबह शाम वो या तो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ चलती है, तो शाम को हम खिड़कियाँ खोल देते हैं और वही जो हवा है वो कमरों को ठंडा कर देती है। हमने बड़े सारे शहतूत के पेड़ लगा रखे हैं, और शहतूत के पेड़ों का क्या है कि ये सर्दियों में पत्ते झाड़ देते हैं, अब इस समय गर्मी आए तो ये पूरे के पूरे इनमें पत्ते हैं और ये धूप जो है घर में वैसे भी नहीं आने देते। और दूसरा ये कि हम गाय के लिए इनकी कटिंग करते रहते हैं, तो जिस मौसम में हमारे पास घास नहीं होता हम शहतूत के पत्ते उन्हें खिलाते रहते हैं। उसके अलावा हम मटेरियल की अगर बात करें तो ये घर जो है इसके अधिकांश कमरे मिट्टी के बने हुए हैं, दो कमरे पत्थर के हैं, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी ना उन दिनों बारिश बहुत हो रही थी और मुझे था कि भाई हमें कंस्ट्रक्शन नहीं रोकनी, तो ये जो कमरा है ये ग्रैनेट है, मेरे ख्याल से इंग्लिश में इसको ग्रैनेट ही कहते हैं, हम तो यहाँ लोकल खाड़ू पत्थर इसको कहते हैं, तो ये खाड़ू पत्थर और सीमेंट का बना है। बाकी ये जो सारे कमरे हैं ये मिट्टी की ईंटों के बने हैं और इनमें जो गारा है यानी कि जो मोर्टार है वो भी मिट्टी का ही उसमें इस्तेमाल हुआ है। जो पोर्च की छत है ये बाँस और स्लेट की है, तो बाँस बड़ा सस्टेनेबल है, बाँस तो यहाँ खूब उगता है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे कमरे के पीछे ही बड़े सारे बाँस उगे हुए हैं। हमने गलती है कि हमने बाँसों को ट्रीट नहीं किया, तो इसलिए थोड़े टाइम में हमें शायद ये बांस बदलने पड़े। इस घर में दो फ्लोर्स हैं, ये तो अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे है ना, तो जो फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। बाय द वे हमारा मीडिया ऑफिस, तो ये जो हमारा कमरा है इसका स्पैन इस तरह है कि भाई एक इसमें गार्डर पड़ सके बिना लपे, और ये जो सारे बांस हैं ये है ये ऊपर वाले कमरे की छत को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर ये जो सारे टीन डले हैं ये स्क्रैप मेटल है, टीन के टुकड़े हैं, हमने 600 किलो ये खरीद लिया और हमने इससे एक सरफेस बना दी। इस सरफेस के ऊपर मिट्टी की एक लेयर है, उस मिट्टी की लेयर के ऊपर फाइनली एक सीमेंट की लेयर है। मैं ऊपर जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, वो सीमेंट की लेयर इसलिए कि भाई हम इसको पोचा मार सकें। हमारी जो किचन है अगेन ये पत्थर की बनी है, ये पत्थर इनको हम लोकल सैल कहते हैं, ये स्लेट हुआ। अब स्लेट की जो माइनिंग है सस्टेनेबल नहीं है, पर एटलीस्ट ये मटीरियल लोकल है, इसके अंदर कोई भी मोर्टार नहीं होता, यानी कि कोई सीमेंट नहीं है, बस एक के ऊपर एक टिके हुए हैं। हमने अंदर से इसमें मिट्टी की लिपाई कर रखी है ताकि भाई गैप्स कम रहेंगे तो कीड़े छिपकलियाँ अपना घर कम बनाएगी। छिपकलियाँ तो ठीक है, छिपकलियाँ बाकी कीड़ों को खा जाती हैं तो छिपकलियाँ ओके हैं। फिर जो हमने लकड़ी इस्तेमाल करी वो हमने इस तरह करी कि भाई जो भी पुरानी बिल्डिंगें टूट रही थी, लोग अपने घर उखाड़ रहे थे, वो लकड़ी इस्तेमाल करी। ये धर्मशाला कॉलेज से पिलर आए हैं सारे, ये सारे 100-100 साल से ऊपर पुराने पिलर हैं। इनफैक्ट ये जो पत्थर हैं, मैं आपको खिड़कियों के पत्थर दिखाता हूँ, इस तरह का काम भी आजकल नहीं होता, ये पत्थर भी हमें पुराने मिल गए। इनफैक्ट ये जो अलमारियाँ हैं ना, हमने क्या किया, अलमारियों के ढक्कन एज ए डेस्क खरीद लिए, दीवारें 18 इंच की हैं, आपको दिख ही रहा है ये जैसे खिड़कियों में कि कितना गैप है, तो इसी तरह हमने दीवार में गैप छोड़ दिया, उसके ऊपर ढक्कन चिपका दिया, आपकी अलमारी बन गई। ऐसे ही एक अलमारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफिस में भी होती थी,
तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट्स ऑफिस और मीडिया ऑफिस को जोड़ने के लिए उस अलमारी के पीछे की दीवार हटा दी। मैं आपको अपना फर्नीचर भी दिखाता हूँ भाई। फर्नीचर हमें यही होता है जहाँ से पुराना मिल जाए। देखिए, शाहपुर में किसी घर के आगे पड़े थे कुर्सियाँ, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी आप बेच रहे हैं, आंटी आप अंदर जा रहे हो, मैं एक सेकंड चला जाऊँ, थैंक यू। ये जो का कमरा है, ये जो हमने बेड्स वगैरह भी बनाए हैं ना, ये जो सारा इसमें मटेरियल लगा है, ये आर्मी वालों की जैसे बिल्डिंगें उखड़ती हैं उनकी छत से बहुत सी लकड़ियाँ निकलती हैं, तो ये उसका बना है। अब ये जो मिरर के लिए जो ने यूज़ किया हुआ है, ये आम की लकड़ी की मेरे ख्याल से फटियाँ होती हैं, जिसकी पेटियाँ होती हैं जिसमें सामान आता है। ये जो सारे दरवाजे हैं, ये भी बैरक्स सराय में दरवाजे हैं, उसके ऊपर हमने पेंट कर लिया। अगेन देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% सस्टेनेबल है, पर जहाँ तक हो सके हमने अपना नए मटेरियल का प्रयोग, सीमेंट का प्रयोग कम से कम रखा है। ये जो फर्श है, इसमें तो स्लेट लगे हैं और सीमेंट है, पर इसमें हमने काफ़ी सारी राख भी मिला रखी है, उससे एक तो सीमेंट थोड़ा चिकना हो गया और सीमेंट का जो प्रयोग है वो थोड़ा कम हुआ। जो हमारी वेट वॉल्स हैं, यानी कि बाथरूम वगैरह की वॉल्स जहाँ पे मोस्ट प्लम्बिंग है, वो हमने लाल ईंट की बनाई है, क्योंकि भाई कल को कोई पाइप लीक हो जाए तो ऐसा ना हो कि घर ढह जाए, तो ये लाल ईंट है। इसके ऊपर हमने प्लस्तर जो है वो मिट्टी का ही किया हुआ है। तो अगर आपका लाल ईंट का घर है, उस पर आप प्लस्तर भी करते हो मिट्टी का, तब भी बहुत सीमेंट बचता है और पेंट वेंट का खर्चा भी बचता है, क्योंकि मिट्टी के घर पे तो फिर गोबर की एक लिपाई सी हो जाती है। अब मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। पहले यहाँ सारे वॉलेंटियर्स रहते थे, अब ये जो है प्रोडक्ट वालों ने कब्ज़ा कर लिया है। मैं आपको यहाँ इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि आपको मैं फ्लोरिंग वगैरह दिखा सकूँ, पैकिंग रूम में ले जाता हूँ। अब ये जो फ्लोरिंग है सीमेंट की, इसमें पोचा वोचा लग सकता है आराम से। यहाँ भी छत ऊपर से स्लेट किया, अंदर हमने प्लाईवुड लगाई है। अब ये प्लाईवुड नहीं है, पर इंसुलेट करना ज़रूरी था, नहीं तो ऊपर वाला फ्लोर तपना शुरू हो जाता है। ये जो स्लेट है ये इस तरह लगे होते हैं कि पानी अंदर ना जाए। तो ये है मोटा मोटा हमारे घर का टूर। मुझे लग तो नहीं रहा मुझसे कुछ छूट रहा है, पर अगर आपको लगता है कुछ छूट आया है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, एक वीडियो और बना लेंगे। थैंक यू, बाय।